हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्मार्ट नो के चैनल। दोस्तों, आज हम आपके लिए लेकर आए एक नई अपडेट। और जी हाँ दोस्तों, ये अपडेट है आपकी ONGC से। जी हाँ दोस्तों, ONGC में भर्ती निकल चुकी है और सभी को बहुत बहुत ही शुभकामनाएं हैं मेरे, क्योंकि मैं चाहता हूं कि आप सभी लोग जो भी इतने अच्छे से तैयारी करते हैं गवर्नमेंट जॉब की, उन सभी के लिए एक अच्छा मौका है कि ONGC में वो ज्वाइन कर सकते हैं। जो ONGC जो है भारत की महारत्न कंपनियों में से एक है। जी हाँ दोस्तों, ONGC का काम मैं आपको बता देता हूँ शॉर्ट डिटेल्स, उसके बाद मैं स्टार्ट करूँगा अपना ये नोटिफिकेशन जो मैं आज आपके सामने पढ़ने वाला हूँ। कैसे आपको इस फॉर्म को भरना है, कौन से ऐसे मिस्टेक्स है जिसकी वजह से आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाता है, और कैसी सावधानी आपको बरतनी है, सब कुछ हम चर्चा करेंगे इस वीडियो के अंदर। इस वीडियो को आप अंत तक ज़रूर देखिएगा दोस्तों। फॉर्म को पहले, सबसे पहले भरना सीखिए कैसा फॉर्म भरा जाता है, क्योंकि समटाइम्स ऐसा कई बार होता है कि आपने फॉर्म में कोई गलत डिटेल्स भर दी है, बाय मिस्टेक्स भरी जाती है। कोई जानबूझ से गलती नहीं करता, लेकिन बाय मिस्टेक से उनको ये समझ में नहीं आता। वो अगर आपके एग्ज़ाम आप पास कर लेते हैं और आपके इंटरव्यू सेक्शन तक पहुंचते हैं और वहाँ पे आपकी ये गलती पकड़ी जाती है, तो आपको सीधा बाहर का रास्ता देखना पड़ता है। समटाइम्स ऐसा होता है कि स्क्रीन जो होती है, सारे एप्लीकेशंस, वो भी शॉर्ट लिस्टेड में भी आपका नाम नहीं आ सकता, ऐसा भी होता है। तो ये सब चीज़ों को ध्यान रखना पड़ेगा दोस्तों, इसलिए आप फॉर्म के डिटेल्स को अच्छी तरह से फिलअप कीजिएगा। हम आज आपको सब कुछ शेयर करने वाले इस वीडियो के अंदर। तो दोस्तों, अगर अभी तक आपने स्मार्ट नो के चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो स्मार्ट नो के चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों, क्योंकि स्मार्ट नो के चैनल पर आपको लेटेस्ट अपडेट हमेशा सबसे आगे मिलती है। और साथ ही दोस्तों, जब भी कोई नया सरकारी फॉर्म आता है, तो उसकी नोटिफिकेशन हम स्मार्ट नो के चैनल पर प्रोवाइड कराते हैं। तो आइए, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम इस वीडियो को। तो आप देख सकते हैं दोस्तों, स्क्रीन पे मैंगलोर रिफाइनरी एंड पेट्रोकेमिकल्स लिमिटेड, जिसे हम MRPL, शेड्यूल ए मिनी रत्ना सेंट्रल पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस एंड सब्सिडियरी ऑफ ONGC। जी हाँ दोस्तों, ONGC के अंडर थ्रू ही आती है ये मैंगलोर रिफाइनरी एंड पेट्रोकेमिकल्स लिमिटेड, जो कि 2019 की भर्ती के लिए, देखिए यहाँ पे 233 सिक्योरिटी इंस्पेक्टर, जूनियर ऑफिसर, जूनियर केमिस्ट ट्रेनी, टेक्निकल असिस्टेंट, ड्राफ्टमैन ट्रेनी, ट्रेनी असिस्टेंट पोस्ट, यानी कि काफ़ी पोस्टेज हैं। हम सब चर्चा करेंगे फुल डिटेल्स में, ताकि आपको आसानी हो। तो मैं आपको बता दिया हूँ ऑलरेडी, देखिए यहाँ पे 233 पोस्ट की जो है ये नोटिफिकेशन है। आप कौन सी पोस्ट के लिए कितनी है वो आप देख सकते हैं यहाँ पे स्क्रीन पर। नंबर वन पे हम बात करें तो नंबर वन पे है सिक्योरिटी इंस्पेक्टर, जिसके लिए वैकेंसी है 13। नंबर दो की बात करें तो नंबर दो पे आता है जूनियर ऑफिसर, ऑफिशियल लैंग्वेज इम्प्लीमेंटेशन, एक पोस्ट है इसके लिए। जूनियर है केमिस्ट ट्रेनिंग के लिए, देखिए 6 पोस्ट है। टेक्निकल असिस्टेंट ट्रेनिंग के लिए, देखिए केमिकल वालों के लिए 113 पोस्ट है। टेक्निकल असिस्टेंट मैकेनिकल के लिए 27, इलेक्ट्रिकल के लिए 36, इंस्ट्रूमेंटेशन के लिए देखिए 25, ड्राफ्टमैन ट्रेनिंग के लिए 1, और बाकी सब देख सकते हैं। ट्रेनी असिस्टेंट फाइनेंस के लिए 2 है, मटेरियल्स के लिए 4 है, ट्रेनी असिस्टेंट हिंदी के लिए 4 है, ट्रेनी असिस्टेंट के लिए 1 है। तो ये सारी पोस्ट हैं, और पोस्ट की जितनी संख्या है वो मैंने बता दी है। अब आपको क्या करना होगा, देखिए यहाँ पे एजुकेशन क्वालिफिकेशन भी देखना होगा। सबसे पहले एजुकेशन क्वालिफिकेशन आप यहाँ पे देख सकते हैं, जनरल ओबीसी के लिए 60% मार्क्स, SC ST PWD के लिए 50% मार्क्स। अब देखिए पेस्ट जो पोस्ट है उसके लिए आपका ग्रेजुएट होना चाहिए रिकोगनाइज यूनिवर्सिटी, यानी कि उसमें 60% मार्क्स होना चाहिए दोस्तों। मिनिमम रैंक ऑफ हवलदार इन द आर्मी और इक्विवेलेंट नेवी एयरफोर्स विथ 15 ईयर्स सर्विस विथ एक्समिलिट्री सर्विस रिकॉर्ड, यानी कि जो सिक्योरिटी इंस्पेक्टर का पोस्ट है, यानी कि आपको देखिए वहाँ पे नंबर वाइज दिया है और सेम नंबर वाइज यहाँ पे पोस्ट दिया है। पोस्ट नंबर टू के लिए देखिए मास्टर्स डिग्री चाहिए हिंदी इंग्लिश, जिस भी लैंग्वेज के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं। पोस्ट नंबर थ्री के लिए देखिए बैचलर ऑफ साइंस BSc इन केमिस्ट्री विथ केमिस्ट्री, एनालिटिकल केमिस्ट्री, इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री, पॉलीमर केमिस्ट्री, अप्लाइड केमिस्ट्री एज प्रिंसिपल सब्जेक्ट। जी हाँ दोस्तों, ये सारे सब्जेक्ट्स आपके जो हैं उसमें होने ज़रूरी हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं दोस्तों, आप देख सकते हैं यहाँ पे। मैं सारे पोस्टर्स के देखिए नहीं पढ़ने वाला हूँ, क्योंकि आपको जो है इसको नोटिफिकेशन को अच्छे से डाउनलोड करके पढ़ना पड़ेगा, उसके बाद आप अपने अपने पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। हम बात करेंगे मेजर चीज़ों पे जो कि इम्पॉर्टेंट है। सबसे पहले देखिए पोस्ट की जो एज डिटेल है, पोस्ट नंबर ए के लिए 45 वर्ष आपकी जो है मैक्सिमम एज दी गई है। पोस्ट नंबर टू के लिए 38 ईयर्स, पोस्ट नंबर 3 to 11 के लिए 26 वर्ष, और पोस्ट नंबर 12 के लिए 41 ईयर्स। तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान रखनी है, ये आपके एज क्राइटेरिया है। आपको देखिए छूट भी दी जाएगी एज एन 9 नवंबर, यानी 9 नवंबर को आपकी जो है एज की गणना होगी। उस तारीख तक आप जितना हैं, ये सारी चीज़ें हैं कंप्लीट होनी चाहिए आपकी 18 वर्ष, और जो मैक्सिमम है 5 वर्ष की छूट मिलेगी आपको SC ST के लिए। और दोस्तों, जब भी आप फॉर्म भरते हैं तो वहाँ पर जो कॉलम्स आते हैं SC ST
चाहे ओबीसी, तो आपको वहाँ पे आपका एप्लीकेशन नंबर पूछा जाता है। एप्लीकेशन का नंबर का अर्थ यहाँ पे ये है कि वहाँ पे सर्टिफिकेट नंबर पूछा जाएगा, एप्लीकेशन नंबर समथिंग वगैरह जो है क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आपको अपने कास्ट सर्टिफिकेट का जो नंबर होगा उसे अच्छी तरह से देखिए, क्योंकि काफ़ी बच्चे ऐसे हैं जो ये सब बारीक से मिस्टेक कर देते हैं। तो आप अपने कास्ट सर्टिफिकेट को नंबर से अच्छे से फिलअप करना है, जो इस कैटेगरी में आप हैं उसी कैटेगरी में अप्लाई कीजिए। गलती से एक बार जो है उसको प्री अचीव कर लीजिए, क्योंकि आपको ऐसा लगता है कि आपने एक बार में जो भी डिटेल्स भरा है वो ओके है। समटाइम्स ऐसा होता है, कंप्यूटर सेक्शन है ऊपर नीचे हो जाता है, जिसकी वजह से बाद में आप लोगों को काफ़ी दिक्कत होती है। मेरे काफ़ी स्टूडेंट ने मुझे मैसेज किया कि सर हमारा जो है ओबीसी में चला गया जबकि मैं जनरल क्लिक कर रहा था, और अब मैं क्या करूँ, मेरा फर्स्ट आया जो है क्लियर हो गया। तो ये सब चीज़ें आपके साथ ना हो, इसलिए सब सावधानी बरतिएगा। फॉर्म को भरने से पहले अपनी एक पासपोर्ट टाइप फ़ोटो अपने कंप्यूटर में डाल दीजिएगा, सिग्नेचर भी, और साथ ही दोस्तों आपका एजुकेशन क्वालिफिकेशन जितना भी आपके पास है पोस्ट ग्रेजुएट तक, वो सब कुछ आप स्कैन करके एक पीडी में या अपने किसी फोल्डर में कंप्यूटर के रख सकते हैं। ये चीज़ें आपको फॉर्म भरते समय बहुत ही उपयोगी होने वाली। एज लिमिट की बात मैंने आपको बता दिया दोस्तों, अब आपको बताते हैं कैसे इसे अप्लाई करना है। तो आपको अप्लाई करने के लिए क्या करना होगा दोस्तों, इसकी ऑफिशियली वेबसाइट पे जाना होगा। जी हाँ दोस्तों, देखिए आपके सामने जो है मैंने ऑफिशियली वेबसाइट ओपन कर रखी है, मैंगलोर रिफाइनरी एंड पेट्रोकेमिकल्स लिमिटेड रिक्रूटमेंट इन नॉन मैनेजमेंट कैडर। जी हाँ दोस्तों, ये देखिए ऑलरेडी दिया हुआ यहाँ पे स्क्रॉल में चल रहा है, यहाँ से आप देख सकते हैं 78/2019 और फॉर रजिस्टर्ड कैंडिडेट्स। जी हाँ दोस्तों, क्लिक टू व्यू स्टेटस फॉर सबमिट एप्लीकेशन टू डाउनलोड एप्लीकेशन टू मेक द पेमेंट ऑफ एप्लीकेशन फीस इफ एप्लीकेबल। अप्लाई ऑनलाइन के लिए देखिए यहाँ पे है, डायरेक्ट आप कर सकते हैं, तो यहाँ पे आपको क्लिक करना होगा। देख लीजिए आपको यहाँ पे कुछ इंस्ट्रक्शन दिए हुए हैं, द ईमेल आईडी एंड मोबाइल नंबर एंटर्ड इन द एप्लीकेशन फॉर्म शुड रिमेन वैलिड। जी हाँ दोस्तों, आपको ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर आप जो फॉर्म में डालते हैं ये सारी चीज़ें आपकी जो है वैलिड होनी चाहिए। वैलिड का अर्थ यहाँ पे ये है कि आपको लगता है वन टाइम आपने ईमेल आईडी बना लिया, आपने बस आपका काम हो गया, फॉर्म भर दिया और आप ईमेल आईडी भूल चुके हो, सब पासवर्ड भूल गए, तो ये आपके लिए बहुत दिक्कत होगी, क्योंकि सारी डिटेल्स जो है ऑनलाइन हो चुकी है, आपको सब कुछ जो है मेल के थ्रू बताया जाता है। तो ये सब सारी चीज़ें रखिए, ओनली दिस ईमेल आईडी एंड मोबाइल नंबर विल बी कंसिडर्ड फॉर फ्यूचर कॉरस्पॉन्डेंस। यानी कि देख लीजिए मैंने जो चीज़ आपको कहा, फ्यूचर में आपको जो भी इनका कॉरस्पॉन्डेंस होगा वो आपका उसी मेल आईडी या फ़ोन नंबर पे होगा। एन एप्लीकेशन वंस सेव्ड सबमिट कैन नॉट बी चेंज और एडिटेड। मैंने आपसे पहले ही कहा कि कोई भी फॉर्म भरने से पहले एक बार उसका प्रीव्यू कर लीजिएगा, जरूर देखिए दोस्तों, कोई ज़रूरी नहीं है, इस पर आपका स्मार्टनेस कुछ कम हो जाएगी, आपको लगता है कि मैंने एक ही टाइम में सब कुछ सही लिखा है, बिल्कुल ऐसा नहीं, हो जाता है कभी कभी मिस्टेक। तो आप क्या कीजिए, इसको एक बार प्रीव्यू करके चेक कर सकते हैं। कैंडिडेट्स बिलोंगिंग टू रिजर्व कैटेगरी अप्लाइंग फॉर पोस्ट इन विच देयर रिजर्वेशन विल बी कंसिडर्ड अनरिजर्व कैटेगरी एंड द कैंडिडेट्स आर रिक्वायर्ड टू फुलफिल द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया एप्लीकेबल फॉर अनरिजर्व पोस्ट। तो आपको अपने अपनी कैटेगरी में जो है अप्लाई करना है। आफ्टर रजिस्ट्रेशन कैंडिडेट्स में यूज़ कॉम्बिनेशन ऑफ देयर रजिस्टर्ड आईडी एंड डेट ऑफ बर्थ टू री लॉग इन एंड चेक देयर एप्लीकेशन स्टेटस फ्रॉम टाइम टू टाइम। आपको अपना जो है स्टेटस चेक करने के लिए आपके रजिस्ट्रेशन आईडी और पासवर्ड जो आपका डेट ऑफ बर्थ होगा उसी से लॉग इन करके आप चेक कर सकते हैं। वेयर एवर CGPA, OGPA और लेटर ग्रेड इन डिग्री इज अवॉर्डेड इट्स इक्विवेलेंट परसेंटेज ऑफ मार्क्स एज पर नॉर्म्स अडॉप्टेड बाई यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट इज रिक्वायर्ड टू बी इंडिकेटेड इन द एप्लीकेशन फॉर्म। अ कॉपी ऑफ सच फॉर्मूला इज टू बी अटैच्ड टू सेंड विद द मार्कशीट व्हेन आस्क्ड। यानी कि जो आप CGPA वाला सिस्टम है उसमें आपको जो है मार्क्स का जो वैल्यू होता है 40%, 35%, 70% वो जो है अटैच करके आपको जमा करना होगा जब उसकी ज़रूरत पड़ेगी। ये सारी चीज़ें आप पढ़ने के बाद दोस्तों आपको करना है यहाँ पे क्लिक, उसके बाद ये चेकबॉक्स आप क्लिक करेंगे, उसके बाद क्या करेंगे, कंटिन्यू करेंगे। चलिए हम उस भी कर लेते हैं। अब देख लीजिए आपके सामने ओपन हो गया दोस्तों, अब कैसे भरना है वो मैं आपको बता देता हूँ शॉर्ट में। देख लीजिए अप्लाइड फॉर यहाँ पे पोस्ट है, यहाँ पे पोस्ट चेक करना है, अपनी जाति कैटेगरी यानी PWD में है तो वो यस नो करना है, माइनॉरिटी कम्युनिटी के बारे में, डिपार्टमेंटल कम्युनिटी के बारे में, डिटेल्स ऑफ अरेस्ट प्रोसीजर। चलिए हम इसको आपको लाइव दिखा देते हैं। देख लीजिए यहाँ पे सिक्योरिटी इंस्पेक्टर आपको जो भी चूज़ करना है, आप यहाँ से ट्रेन असिस्टेंट जो भी चाहिए एक चूज़ कर सकते हैं। अब नंबर दो पे देखिए आइए, आपको SC ST जिसमें चूसना है, तो SC के लिए देखिए यहाँ पे पोस्ट इसलिए सिर्फ SC आया। अगर आपको दूसरा चुनते हैं तो अगर दूसरा के लिए सब कुछ देखिए सेलेक्ट यस और नो, अब देखिए यहाँ पे सभी के लिए है, तो आप कोई भी जाति में चाहे ओपन हो चाहे किसी में हो, यानी कि जो पोस्ट के लिए जो जो वैकेंसी दी गई है वो कैटेगरी वाइज दी गई है। यानी कि जिस पोस्ट के लिए आप अप्लाई करें अगर आपकी कैटेगरी का है नहीं तो आप उसको नहीं अप्लाई कर सकते, यहाँ पे साफ साफ दर्शा रहा है वो चीज़। PWD के लिए आपको यस और नो करना होगा,
यस करते हैं। तो देखिए नेचर ऑफ एबिलिटी की क्या आप किस प्रकार के हैं, या फिर आप क्या कीजिए इसे नो कीजिए अगर नहीं है तो। देखिए आपको कुछ नहीं पूछा जाएगा, फिर यस और नो आपको नो करना है। अगर आप एक सर्विसमैन हैं तो यस कीजिएगा। ये सारी चीज़ें आपको अपने अपने जानकारी के आधार पर भरनी होगी दोस्तों, सेम टू सेम कॉपी नहीं कर सकते। डू यू बिलोंग टू माइनॉरिटी कम्युनिटी, आप हैं तो कीजिए, नहीं तो एन कीजिए। वेदर डिपार्टमेंटल एम्प्लॉई, जी हाँ दोस्तों आप उसी डिपार्टमेंट के हैं तो ये आपके लिए है सेम। और ये देखिए कैंडिडेट्स का नाम यहाँ लिखा जाएगा, उसके बाद उसके पिताजी का नाम यहाँ पर, डेट ऑफ बर्थ देखिए यहाँ पर लिखा जाएगा, जेंडर, मैरिटल स्टेटस, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, टेलीफोन नंबर विथ स्टडी कोड, उसके बाद क्वालिफाइंग एग्ज़ाम, उसके बाद डेट ऑफ इश्यू फॉर सर्टिफिकेट। जी हाँ दोस्तों यही चीज़ें मैं आपको बता रहा था कि बहुत ही ध्यान से भरनी है। सेमेस्टर 1, 2, 3 मैक्सिमम मार्क्स कितने परसेंटेज है CGPA वाले, ये उनके लिए। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको इस वीडियो में काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा, बट अगर इस फॉर्म को भरने में आपसे कोई दिक्कत आ रही है तो आप इस फॉर्म से वीडियो के नीचे कमेंट करके हमसे अपने अपने जो भी डाउट्स हैं, जो भी क्वेरीज हैं आप हमसे पूछ सकते हैं, हम आपको वहाँ पे उसका आंसर दे देंगे। देख लीजिए यहाँ पे डिटेल्स ऑफ एकेडमिक क्वालिफिकेशन अदर देन मेंशन्ड अबाउट 10th स्टैंडर्ड अवार्ड्स, कम्युनिकेशन डिटेल्स भरनी होगी, अपलोड देखिए क्या क्या करना है, फ़ोटो, उसके बाद सिग्नेचर, ये दो चीज़ें आपको अपलोड करनी है। और उसका देख लीजिए साइज़ भी मैं यहाँ पर दिया हुआ 20 KB से 40 KB तक जो है आपकी फ़ोटो होनी चाहिए, और सिग्नेचर आपका 10 से 20 KB के होना चाहिए। उसके बाद आपको जो है सिक्योरिटी कोड जो है आपका कैरेक्टर, ये आपको इसमें लिखना होगा चेकबॉक्स में, उसके बाद आपको डिक्लेरेशन चेकबॉक्स में क्लिक करना होगा और उसके बाद सीधा आपको सबमिट करना है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ इस वीडियो से आपको समझ में आ गया होगा कैसे ऑफिस फॉर्म को भर सकते हैं। तो दोस्तों मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में एक नई जानकारी, एक नई अपडेट के साथ। थैंक यू सो मच दोस्तों फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।